नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते खबरें विस्तार से। गंगदार 990 पेटी अवैध शराब नष्ट की गई। गंगदार थाना अधिकारी बाबूलाल मीणा ने बताया कि न्यायालय के निर्णय के बाद जिला आबकारी अधिकारी रियाजुद्दीन उस्मानी की उपस्थिति में थाना गंगदार पर मालखाने में रखी 290 पेटी अवैध जब्त शराब आबकारी विभाग के प्रतिनिधियों की उपस्थिति व देखरेख में गंगदार थाना परिसर में गड्ढा खोद कर नष्ट की गई। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर आगामी 12 दिसंबर को होने वाली महारैली की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। इसके लिए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल रैली को सफल बनाने में पूरी तैयारी के साथ लगा हुआ है। पिछले 6 दिसंबर को इसके लिए प्रदेश कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत ने एक मीटिंग आयोजित की थी, जिसमें कार्यकारिणी के सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसी के अंतर्गत आज भवानी मंडी निवासी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल सचिव अख्तर अली ने जयपुर पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल लालजी भाई देसाई और प्रदेश कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत की अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए रैली संबंधी चर्चा की गई। चोमेला गाय व नवजात बछड़े का गौशाला चोमेला ने किया अधिग्रहण। कार्यवाहक तहसीलदार शिवनारायण रावत की सूचना पर गौशाला ने देर रात्रि बिलावली रोड पर बच्चे को जन्म देने के बाद लावारिस हालत में खड़ी गाय के बारे में मोहल्ले वासियों ने नायब तहसीलदार को फोन पर सूचना दी कि नवजात बछड़े व गाय को कुत्ता ने खतरा है, जिस पर कार्यवाहक तहसीलदार ने गौशाला प्रबंधन से बात कर गाय व बछड़े को गौशाला में जगह देने की बात कही, जिस पर गौशाला प्रबंधन ने गाय को ट्रैक्टर में परिवहन कर गौशाला में भर्ती किया। चोमेला राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झालावाड़ के निर्देश अनुसार तालुका अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भारत भूषण पाठक के मार्गदर्शन में दिनांक 10 दिसंबर शुक्रवार को विश्व मानवाधिकार दिवस पर ग्राम पंचायत चोमेला पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सचिव अधिवक्ता लियाकत अली व PLV संजय राठौर ने बताया कि उक्त दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है, जिसके तहत कुछ प्रावधान किए गए। मानव अधिकार का अर्थ विश्व में रहने वाले प्रत्येक मानव को प्राप्त कुछ विशेष अधिकार जो विश्व को एक सूत्र में बांधते हों, हर व्यक्ति को रक्षा करते हों, उसे दुनिया में स्वतंत्रता के साथ जीवन यापन करने की छूट देते हों, किसी व्यक्ति के साथ किसी भी कीमत पर कोई भेदभाव ना हो, समस्या ना हो, सब शांति से खुशी खुशी अपना जीवन जी सके, इसलिए मानव अधिकार का निर्माण हुआ। झालावाड़ मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में हीमोफीलिया फैक्टर 7 रोगी को मिली राहत। हेडलाइन से जारी किया था कि जिसमें लिखित नाम व फोटो सर्वर रूम की त्रुटि से गलत व्यक्ति के दिए गए थे, जबकि रोगी मुकेश कुमार निवासी पिड़ावा ग्रामीण है, जिसका हीमोफीलिया फैक्टर 7 के इंजेक्शन की व्यवस्था चिकित्सा विभाग के कुशल व तत्पर कार्यशैली से समस्या का समाधान हुआ है। पिड़ावा क्षेत्र के कल्याणपुरा निवासी माओ सिंह का गत दिनों निधन हो गया था। माओ सिंह सोनवार क्षेत्र के तेज तरार नेता और ग्राम पंचायत शहरपुर के पूर्व सरपंच रह चुके हैं। आज उनके पैतृक गांव कल्याणपुरा में उनकी मूर्ति स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष संजय जैन ताऊ, जिला महामंत्री डॉक्टर राजेश शर्मा, संजय शर्मा, झालावाड़ मंडल अध्यक्ष चंद्रमोहन धारभाई, जिला कोषाध्यक्ष राजेन जैन, जिला उपाध्यक्ष बाल किशन जमींदार, भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष रमेश चंदांगी, सरपंच हरिराम गोचर, जीवन टंडेल, कमल प्रजापत, राम गोपाल सिंह परमार, रणजीत सिंह आदि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कल्याणपुरा पहुंचकर स्वर्गीय माओ सिंह को श्रद्धांजलि देकर उनकी प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित किए। इस दौरान सभी ने महाप्रसादी ग्रहण की। उनेल कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राज्य सरकार की ओर से 102 छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज सेवी भामाशाह मोहनलाल जैन थे। विशिष्ट अतिथि पूर्व प्रधान शंकर सिंह बनाम मंडल महामंत्री शिव सिंह चौहान, सोनू जैन, कालू राम वर्मा थे। अतिथियों द्वारा छात्राओं को साइकिल प्रदान की गई। साइकिल पाकर छात्राओं के खिले चेहरे। प्रधानाचार्य सत्यन डागुर ने बताया कि स्कूल में राज्य सरकार की निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत इस वर्ष कक्षा 9 में की छात्राओं को पिछले सत्र के कक्षा 9 के कुल 102 छात्राओं को साइकिल वितरित की। इस अवसर पर वरिष्ठ शिक्षक गंगाराम काटिया, भोपाल मीणा, इब्राहिम अहमद, ओम प्रकाश, तत्तुबाला निगम आदि उपस्थित रहे। गांधी सागर अभ्यारण क्षेत्र में मांसाहारी वन्य प्राणियों की संख्या और बढ़ सकती है। 25 बीटों में मिले साक्ष्य। अखिल भारतीय बाघ आकलन वर्ष 2022 के अंतर्गत मंदसौर की 5 परिक्षेत्रों के अभ्यारण क्षेत्र के वन्य प्राणियों की गणना की गई। यह गणना 1 तारीख से 7 तारीख तक वन मंडल अधिकारी आदर्श श्रीवास्तव मंदसौर एवं एस के अटोटे अधीक्षक गांधी सागर अभ्यारण के नेतृत्व में चली। गांधी सागर अभ्यारण के पूर्व पश्चिम क्षेत्रों की 43 बीटों में 3 दिन मांसाहारी वन्य प्राणियों तेंदुआ, सियार, भेड़िया, लोमड़ी, हायन आदि और 3 दिन शाकाहारी वन्य प्राणी जंगली सुअर, नीलगाय, चिकारा, खरगोश आदि की गणना करते समय उनके पदचिन्ह, आवाज, खरोंच के निशान व आधुनिक ट्रॉस्ट जैकेट की भी सहायता ली गई। गांधी सागर पश्चिम का गांधी सागर पूर्व इस वनमंडल की कुल 43 बीटों में
वन्य प्राणियों की आकलन का कार्य अभी 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक पूरा किया गया है। वन मंडल की लगभग 25 बीटों में हमको वन्य प्राणियों के साक्ष्य मिले, जिसमें मांसाहारी मुख्य है और मुख्यतः इसमें तेंदुआ, लकड़बग्गा, हाइना, सियार, भेड़िया आदि के हमने मांसाहारी पशुओं के वन्य प्राणियों के साक्ष्य एकत्र किए हैं। इस साक्ष्य गणना में वन मंडल मंदसौर के स्टाफ के अतिरिक्त नीमच का स्टाफ भी हमें ज़रूरत पड़ी थी, तो वहाँ से भी करीब 12 स्टाफ अतिरिक्त हमको सहयोग मिला है और उन लोगों ने भी पहले चरण में काम किया था वन मंडल नीमच में। उनकी दक्षता को देखते हुए इस बार उन्होंने इस वन मंडल में मंदसौर में बहुत अच्छी दक्षतापूर्ण कार्य किया है और ज़्यादा से ज़्यादा मांसाहारी वन्य पशुओं के शाइन एकत्र किए हैं। पिछले वर्ष की तुलना में जहाँ तक मुझे ऐसा अनुभव है, अभी जो मुझे जानकारी मिल रही है कि इस बार और ज़्यादा हमें साक्ष्य मिले हैं, लगभग पूरी 22 बीटों में साक्ष्य मिले हैं और गांधी सागर अभ्यारण्य की 22 बीटों में साक्ष्य मिले हैं और वन मंडल मंदसौर की जो दूसरे परिक्षेत्र हैं उनकी 6-7 बीटों में वहाँ भी साक्ष्य मिले हैं। तो इस बार मांसाहारी जो वन्य प्राणियों का आंकड़ा है वो बढ़ेगा। पूरा काम को पूरे वन मंडल स्तर के समस्त कर्मचारियों ने बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से पूर्ण किया है और हमें आशा है कि ये हमारा जो पेंथर का आंकड़ा है वो प्रदेश भर में और ज़्यादा बढ़ेगा। इसमें गांधी सागर अभ्यारण्य का भी विशेष योगदान रहेगा। खबरों फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज। नमस्कार। चक्की चल रही कबीर बैठा रोई, दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जिको। छोड़ के मत दाओ एक लीर बन जारा रे, बन जारा रे रे। आ दूर देश रहे मामला अब जाओ, साहिब ने महल बनाई बन जा रहा रे, बन जा रहा रे। हा गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जा रहा हूँ, छोड़ के मत दाओ एक नीर बन जा रहा। कुशवा टेंपल स्टोन एंड बैटरी हाउस झलावाड़ रोड SDM कोर्ट के पास भवानी मंडी। हमारे यहाँ मंदिर निर्माण, मूर्तियाँ, छतरियाँ, मेहराब, पिल्लर, मंदिर सिंहासन, गुम्बज, तोरणधार, हवेलियाँ के झरोके धौलपुर पत्थर से बनाए जाते हैं। प्रोप्राइटर महेंद्र कुशवा, जिनका मोबाइल नंबर है 9509595949 9413595816। नोट, स्कूटर, बाइक, कार, ट्रैक्टर, बस, इन्वर्टर, UPS सभी प्रकार की बैटरियां उपलब्ध है। हमारा पता है भवानी मंडी, कृष्णा कॉलोनी, झलावाड़ रोड, SDM कोर्ट के पास
भवानी मंडी।